हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग को, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक। दोस्तों, हुंडई की मोस्ट पॉपुलर हैचबैक कार ग्रैंड आई10 नियोस के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि ग्रैंड आई10 नियोस का एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल वेरिएंट लॉन्च होने वाला है ऑटो एक्सपो 2023 में, और जिसका नाम होगा दोस्तों ग्रैंड आई10 नियोस एन लाइन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अवेलेबल होगी स्पोर्ट्स और एस्टा वेरिएंट में। एन लाइन वेरिएंट की डिजाइन डायनेमिक्स की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिए गए जो कि इसे अलग बना देते हैं नॉर्मल वेरिएंट से। फ्रंट प्रोफाइल में आपको हेडलैम्प यूनिट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हैलोजन बल्ब और टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। वहीं इसके फ्रंट प्रोफाइल में, फ्रंट ग्रिल में आपको डिफरेंट डिजाइन के एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, एन लाइन की बैजिंग, नंबर प्लेट की जगह रेड इंसर्ट्स और वहीं प्रोजेक्टर फॉग लैम्प भी प्रोवाइड किया गया है। स्किड प्लेट में आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल में 15 इंच की ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है, बीच में रेड इंसर्ट्स दिया गया है, फेंडर पे भी एन लाइन की बैजिंग। वार्प में आपको पियानो ब्लैक इसमें एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहने वाले हैं। 360 डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट रहने वाले हैं। रेन सेंसिंग वाइपर भी दिया जा सकता है। और इसके रियर प्रोफाइल में फ्लोटिंग रूफ डिजाइन में आई10 की बैजिंग जो कि रेड इंसर्ट्स में दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर एंड रियर वाइपर, बहुत ही शानदार एलईडी टेल लैंप यूनिट, नॉर्मल वेरिएंट की तरह ही रहने वाला है। लेकिन सबसे नीचे आपको स्किड प्लेट में रेड इंसर्ट्स और ड्यूल एग्जॉस्टर देखने को मिलेगा जो कि इसे डिफर बना देती है रेगुलर वेरिएंट से। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है, जगह जगह पे आपको रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील रिट्यून दिया गया है, लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल और रेड स्टिचेस दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह रहने वाले हैं और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जिसका लीवर कुछ इस तरह का रेड इंसर्ट्स के साथ दिया गया है काफ़ी ऑसम डिज़ाइन में, और एसी बैंड के चारों ओर आपको रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सेंटर कंसोल में 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। सबसे बड़ा चेंज आपका इंजन स्पेसिफिकेशन में, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, BS6 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 100 BHP की पावर एंड 172 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन आपको मिलने वाली है 5 स्पीड मैनुअल और कंपनी क्लेम कर सकती है इस वेरिएंट में 18 KMPL की माइलेज जो कि एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, रेगुलर वेरिएंट में आपको मिलते हैं 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 82 BHP की पावर एंड 114 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो जा सकती है दोस्तों 7.5 लाख से लेकर 9.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। ये थी दोस्तों ग्रैंड आई10 नियोस एन लाइन वेरिएंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।